Morning class 11th. Today we are going to start the next topic, projectile. So what is projectile? कौन कौन सी कंडीशन इसमें डिपेंडेंस है, क्या होता है projectile? Projectile बेटा एक ऐसा टर्म है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे मेरा हाथ में ऑब्जेक्ट है, इसको आप किसी भी पर्टिकुलर हाइट से जैसे यहाँ से हाइट हो गया एक स्पेस में थ्रो करते हैं जब भी ग्राउंड पर टकराता है वहाँ तक का पूरा पाथ जर्नी कवर करता है, दैट इज projectile. So projectile is the name given to any body which was thrown into a space with some initial velocity भी देना पड़ेगा क्योंकि ये projectile है, यहाँ से थ्रो किया अभी ये पाथ ये projectile है किसी पर्टिकुलर हाइट से पिछले ऐसे थ्रो करना दैट इज projectile. में जो पाथ फॉलो किया गया ये वाला पाथ जो फॉलो किया उसे हम कहते हैं trajectory बोलते हैं, पाथ फॉलोड बाय द projectile इज कॉल्ड trajectory, राइट. जैसे यहाँ पर ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर हाइट है और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना विद सम इनिशियल वेलोसिटी उसको ओ पॉइंट पर, बच्चों अगर यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशन ना हो बिल्कुल जीरो करते हैं और आपने यहाँ से थ्रो किया तो इस पार्टिकल को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप इस पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये कैसा पैराबोला सा पाथ बनाता होगा ग्राउंड पर इस टाइप का. ये पॉइंट हो गया आपका, ये जो पास थ्रो किया ये ट्रैजेक्टरी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने थ्रो किया था, अर्थ इसको प्योर खींच रही है. सो यहाँ पर कुछ दो टर्म है जो आपको इंडिपेंडेंस कंडीशन में रखनी है. फर्स्ट मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म एरिया यूनिफॉर्म आ जाएगा. सेकेंड मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी वो जो होगा यूनिफॉर्म जी के इक्वल होगा, जो इधर को जो मोशन आने वाला है वो हमेशा एक ग्रेविटी की वजह से आएगा और ये मोशन प्रोजेक्ट के द्वारा यूनिफॉर्म होगा, राइट. इनिशियल वेलोसिटी इसका ये हो गया, दिस इज प्रोजेक्ट है. बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे क्लास में अलग तो सॉरी आप उस टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे बुलेट को फायर करते हैं गन से तो पहले स्ट्रेट जाती है, तो जैसे कोई बुलेट चलाया जैसे गन से फायर की पहले स्ट्रेट जाएगी और जब तक इसका उसके बाद इसका पाथ जो है वो ऐसा हो जाएगा अर्थ को प्रस्तुत करेगी, राइट. कोई जैवलिन थ्रो करते हैं हवा फेंकते हैं तो उस टाइप से आप पहले सीधा जाता है और फिर ये प्रोजेक्टर वाला पाथ ऐसे कर्व पाथ बन जाता है, प्रोजेक्टिव बन जाता है, कहते हैं प्रोजेक्टर. तो उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आपको निकालनी है. सो बच्चों ये देखिए ग्राउंड था आपका, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से थ्रो किया और ये यहाँ पे आते हैं तो ये डिस्टेंस कहलाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ये वाला, राइट. उसके बाद ये कितना टाइम में यहाँ पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम लगेगा उसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, एयर टू एयर तक का टाइम आपको कंफर्म करना है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ टू ए तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट. एट एन इंस्टेंट पर रिपोर्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एट एन इंस्टेंट पर सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो स्पेसिस के एट एन इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी हो जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स और वर्टिकल कितना हो गया वाई. देखिए बच्चों जब ये पार्टिकल स्पेस में है तो उसमें साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों डिस्टेंस कवर हो गया, ऐसे तो नहीं होगा कि पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा, ये तो ऐसे आ रहा है. तो यहाँ पर दो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साथ साथ चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा एंड दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस y, तो आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एट एन इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा और इसकी कंपोनेंट भी आप यहां पर ब्रेक करेंगे, ये सब यहां पे आपको निकालना पड़ेगा. तो मैं इसको इधर से स्टार्ट कर रहा हूं साइड से, चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं. Height from where we have to drop the
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी आप व्यू रखते हैं और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो लेना है और मैं क्या रखिएगा, एंड वर्टिकल कंडीशन में ड्यू टू आपको जीरो रखना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच यू करना है, राइट। ये दो स्टेप अच्छे से याद रखें, हॉरिजॉन्टल में ये रखना और वर्टिकल में ये रखना। After t time, at an instant, object reach here, at this point, p. So at an instant, its velocity becomes v. And this is a horizontal distance covered by the projectile. And this is a vertical distance covered by the projectile. So पहले यहाँ पर step लिख लीजिएगा, एक language लिख लीजिएगा, horizontal distance covered by the projectile, horizontal distance covered by the projectile, motion की second equation बनाएगा. That is x is equal to ut plus r at square. Sentence लिख लीजिएगा, horizontal distance covered by the projectile at an instant. So here is at zero. So x is equal to ut. मैंने कहा था horizontal में आपको g को zero लेना है. So यहाँ से time निकाल लीजिएगा. That is x upon u. इस time. इतने time में जितने आप पहुँचे. Right? उसके बाद लिख लेना next step. Vertical distance covered by the projectile at an instant t vertical. So y is equal to इस बार initial u जो रखना है 0 plus half t square. So अपना value यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा, y is equal to half t की value कितना है, यहाँ पर x upon u है, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा, y is equal to स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी अपॉन टू यू स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर. सो दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट जी अपॉन टू यू स्क्वायर. सो इसको आप मान लीजिएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो या वाई पर प्रोपोर्शनल किया, सो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में आता है. तो इससे हमें पता लगता है कि जो इसका पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोला पाथ है. सो यहाँ पर एक हेडिंग आपकी बुक में से नोट कर लीजिएगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल. मतलब इसमें आपको ये प्रूव करना था कि जो इसका ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, जो प्रोजेक्टाइल प्रूव किया है वो पैराबोला है. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा. तो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. सो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, राइट. अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है, एक्स इज इक्वल टू यू, यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, तो चेंज नहीं होने वाली. तो जो आपने दिया है, आपसे पूछा गया कि एक सेकेंड के बाद इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये यहाँ पर सीधा फॉर्मूला में लगाइएगा, तो x इज इक्वल टू यू के इक्वल आ गया, दो सेकंड के बाद टू यू आ गया, तीन सेकंड के बाद कितना गया, थ्री यू आ गया, राइट. आफ्टर दैट ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, तो मैं इसमें डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. एक कंडीशन आपके पास आई यहाँ पर, ये वाली y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. देखिए यहाँ पर यू टी सूत्र मिल गया आपको, हाफ जी टी स्क्वायर. आपसे पूछा गया एक सेकंड के बाद वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, अब चलते हैं प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पर रखा वन, तो वन का स्क्वायर किया तो थ्री बाई टू हो गया. दो सेकंड के बाद, तीन सेकंड के बाद यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, तो वाई निकालती जाएगी. समझ पा रहे हो, तो ये चीजें आपकी गलती चली जाएगी. देखिए एक्स ही बढ़ता जा रहा है और ऐसे ऐसे वाई बढ़ता जाएगा, तो इन फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. सो ये स्टेप है यहाँ पर जिसमें एक्स और वाई आप कंफर्म कर सकते हैं. एंड देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ नेक्स्ट कंसेप्ट. टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर टू हियर, वो जो ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है यहाँ पर, तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन आप लगा लीजिएगा यहाँ पर, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. मोशन वर्टिकल में यू जीरो लेना है, आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर और टी इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी, ये वाली ऐसे हो जाता है.
सो इतना टाइम में उसके बराबर पहुँच जाएगा ग्राउंड सर टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू आर पहुँच एंड देन अब आपको ये डिस्टेंस निकालना इसके बारे में आपको बताया था सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है आर सो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं सो आर इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रखता है आपने यू रखा है मल्टीप्लाई टाइम दैट इज टू एच अपॉन जी सो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू टू एच अपॉन जी सो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का निकल गया अब हम निकालते हैं इसकी अटैक स्टेट की वेलोसिटी कितना है देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बी है और अटैक स्टेट की वेलोसिटी बी है तो इसको रेक्टेंगल कंपोनेंट भी कर देते हैं सो दिस इज आवर बी एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई इन अपोजिट टू बी वाई दिस वाई इधर नेगेटिव वाई होता है और इधर पॉजिटिव वाई है ये बताऊंगा बाद में आपको ये प्लस एक्स और ये इधर माइनस एक्स सो वी एक्स कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है वी वाई कितना है ये हमें कंफर्म करना है ये एंगल कितना है डायरेक्शन सो वी एक्स के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगाइए मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे स्क्रीन शॉट लेके नोट्स बना दिए करो यहाँ से सो वी एक्स इज इक्वल टू मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यू प्लस ए हॉरिजॉन्टल में हमें मैंने आपको बताया यू रखना है जी को जीरो रखना है प्लस जी क्या है तो जीरो हो गया तो वी एक्स ऑब्वियस इक्वल टू यू का ये बहुत बढ़िया वी एक्स इज इक्वल टू यू आपसे पूछा गया ना एक सेकेंड के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितना हॉरिजॉन्टल यू होगा तो इसके हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा चेंज नहीं होगा राइट एंड देन वी वाई निकाल लेते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस जी की मतलब होगी यहाँ पर यू जीरो हो जाएगा तो वी वाई कितना भी बचे आप देखिए यहाँ पैडल और कॉपर कंडीशन लगाई है तो बी निकालना है आपको बी कैसे निकालेंगे सो बी इज इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर सो बी इज इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर सो वी कैन राइट एक्स कितना लिखेगा यू वी वाई कितना लिखेगा सो एट एन एक्सटेंट पे जो वेलोसिटी है वो आपका ये हो जाता है अब आपको उसका एंगल निकालना है क्योंकि यहाँ पर बीटा दिया हुआ है थीटा उसके इक्वेशन ले लो सो टैन बीटा डायरेक्शन निकालनी है इस डायरेक्शन में बात करते हैं सो दैट इज वी वाई अपॉन एक्स सो ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका कि यहाँ का ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम हियर टू सम हाइट सेक्शन पूरा हो गया इसकी न्यूमेरिकल आपको करके लाने दिया आपको सो बच्चों ये टॉपिक आपका ऑन पेज नंबर 45 पर है सो ये ट्राई हो गया देखिए ये सॉरी गलत हो गया यहाँ से ये टॉपिक आपका पेज नंबर 41 पर है टॉपिक तो यहाँ से ये डायग्राम आप देख लीजिएगा डायग्राम हो गया आपका एंड उसके बाद ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल का टॉपिक यहाँ से प्रूव करना है पैराबोला आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट वी एक्स इज इक्वल टू यू वी वाई इज इक्वल टू जी टी रिजल्टेंट और ये एंगल निकाल लीजिएगा सो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं तो एग्जांपल 63 आपको करना है देखो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल दिया इसने कहा कि ऑब्जेक्ट को आपने मतलब हाई करने 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया सो और ये हाइट 490 है
सो बताइए यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला सी था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर निकाल लीजिएगा, राइट। सो वी एक्स किसके इक्वल बताया था अभी आपको, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वी एक्स हमेशा यू के इक्वल होगा, और वी वाई जी टी डायरेक्ट लगाइए, वी वाई का जी टी हो जाएगा 98 आ गया। और टाइम के लिए फॉर्मूला पूरा ड्राइव ना करें, टाइम के लिए फॉर्मूला सीधा आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला बताया है रूट टू एच अपॉन जी, आपको एच पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट अपना निकल जाएगा। अगर 20 मीटर दिया तो 20 रखिए, 100 दिया तो 100 रखिए, जो भी दिया वहाँ पे रख दीजिए, तो उससे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। और इसके बाद बच्चे इसमें से न्यूमेरिकल नंबर 64 है, 65 भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है। सो यहाँ से y निकालना है पहले, तो y का फॉर्मूला भी बताया था, हाफ जी टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल, वी वाई निकाल लीजिएगा, वी एक्स आपको पता ही होता है, एंगल 45 दिया हुआ है तो टेन 45 1, तो ये आप यहाँ से ईजिली u निकाल सकते हैं। इसमें 67 न्यूमेरिकल है, 68 है, 69 है, 70 है, और बच्चों इसमें 9 अनसोल्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9 अनसोल्ड क्वेश्चन हैं, यहाँ तक आप उसको सोल्व कर लेंगे 9th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका ऑब्लिक वाला कर दूँगा, एंगल वाला कराऊँगा, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, राइट। तो अभी तक आप यहीं तक कर लें इसको। गुड मॉर्निंग क्लास 11th, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से आपने उसको यहाँ से थ्रो किया था, सो देन ये इस टाइप का पाथ ट्रैजेक्टरी क्रिएट हुआ था, पैराबोला ट्रैजेक्टरी। सो इस कंडीशन में स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी टाइम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंडीशंस। सो यहाँ पर एक्चुअली कुछ बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ टू डायमेंशन मोशन, सुपर पोजिशन। यहाँ पर जैसे ये पार्टिकल है ऐसे आ रहा है, यहाँ पर इसमें देखिए ये इतना x एक्सिस में है और ये इतना y एक्सिस में है, और ये सुपर पोजिशन हो के रिजल्टेंट एक बना यहाँ पर। तो ये जो सुपर पोजिशन है दो डायमेंशन मोशन का, टू डायमेंशन मोशन का, दैट इज प्रोजेक्टाइल। आप देखिए ना साइमल्टेनियसली x और y दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ पूरे और रखे हैं, सो इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ द टू मोशन। तो इसको आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर जो दो डायमेंशन मोशन होता है उनको अगर आप सुपर पोज कर दें और उनका जो रिजल्ट होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। वैसे मैंने आपको इनिशियल डेफिनेशन भी बताया था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी थ्रो करते हैं स्पेस में, सो प्रोजेक्टाइल होता है, जहाँ से थ्रो किया दैट इज प्रोजेक्शन पॉइंट। और उसके बाद हमने यहाँ बहुत सारी वैल्यू निकाली थी, जिस पार्टिकल को थ्रो किया वो प्रोजेक्टाइल होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है यहाँ से यहाँ तक, एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी कितना है, ये वी एक्स हो जाता है और ये वी वाई, ये सब हमने निकाला था। वी एक्स वी के इक्वल आया था, वी वाई जी टी के इक्वल आया था। इन फॉर्मूले को एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, लर्न कर लें, तो इजी आप निकाल सकते हैं। ये तो क्लास है तो छोटा सा टॉपिक था जो हमने किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बच्चों इसमें क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करना है, ऐसे ग्राउंड से जैसे बॉल आप थ्रो करते हैं, ऐसे ग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, और उसके बाद जो सिचुएशन है क्या क्या होगा, कितने एंगल के साथ थ्रो किया, वो सब यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आएगा। या प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, चलिए डायग्राम में बोलिए, इसको एक प्लेन के अंदर एडजस्ट कर लीजिएगा, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्सेलरेट। यहाँ पर एक पार्टिकल ले लीजिए जिसका मास है, और ये आपने एक एंगल के साथ यहाँ पर थ्रो करना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी की, एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, राइट। सो इस कंडीशन में आप सबसे पहले देखिए ये पार्टिकल जब आप ग्राउंड से थ्रो करते हैं, जैसे आप किसी बॉल में सिक्स मारते हैं तो बॉल पे कैसा प्रोजेक्शन बनता है, इस टाइप से बोला ये पूरा प्रोजेक्शन प्रोजेक्टिव बनता है, सितारा बनता है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में सिंपल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हम डिस्कस कर सकते हैं और ये वर्टिकल कंडीशन। सो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लीजिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है,
सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिकर्सिव आपको बता रहा हूँ। और इस डायरेक्शन में जो उसका इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस में जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो जीरो होगा, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्टिकल जो उस पार्टिकल को ऊपर को खींच रहा है ऐसे ऊपर को ले जा रहा है, बात कर लिया कर सकते। तो उस कंडीशन में जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमेशा नीचे को होता है जी। तो यहाँ पर जो आप ए वाई लेंगे वो माइनस जी एंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है, कैसा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है। सो अगर मैं आपसे कुछ कंपोनेंट बनाऊँगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप कहेंगे सर यू कोस थीटा है। एक्सेलरेशन कितना है? आप कहेंगे सर जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन कितना लिया हुआ है? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है। एंड देन ओके, उसके बाद ये वाला मोशन कैसा है? आप कहेंगे सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन ये वाला मोशन का। और ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन है, ये वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन है। सो इन दोनों मोशन का जो सुपर पोजिशन होता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल। देखिए यूनिफॉर्म मोशन ये वाला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन, इन दोनों को सुपर पोजिशन किया तो ये हमें इस टाइप का ये मोशन मिलता है पैराबोला। सो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं सर, नॉर्मली प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड एज द इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ सर टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन। मोशन को सुपरपोज कर दीजिएगा तो ये कहलाएगा आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया, व्हेन टाइम टी जीरो आफ्टर टी टाइम इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट एन इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वर्टिकल कितना होगा, लेकिन तो डायरेक्शन एक तरह से चल रहा है तो इसीलिए टू डायमेंशनल मोशन है ये। सो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हमने थोड़ा छोटा कर दिया एट एन इंस्टेंट, ये पार्टिकल यहाँ पर है ये पर रोटेट कर, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इस पॉइंट पर है, वर्टिकल डिस्टेंस ये हो गया इसका वाई, ठीक है बच्चों एक्स हो गई ये वाई हो गया। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट पर इसका वी हो जाता है, ये वी हो गया एट एन इंस्टेंट पर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी वन, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट थीटा से रिप्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, आफ्टर टी टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अलोंग एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर सिंपल एक सेंटेंस लिखिएगा अलोंग एक्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाइएगा यू टी प्लस हाफ जी टी। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? यू कोस थीटा। सो यहाँ पर लिखेंगे u cos theta into t plus acceleration कितना है हॉरिजॉन्टल में? g है, जीरो है ना, तो यहाँ पर भी आपका x आ गया फाइनली x is equal to u cos theta। एक सेंटेंस लिख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, राइट बच्चे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर के टी टाइम में, तो ये आपके पास। अब वर्टिकल क्या जाएगी? वर्टिकल ये है वाई, सो वाई वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम वाई इज इक्वल टू यू टी, यू टी जहां जाएगा वर्टिकल में यू साइन थीटा माइनस हाफ जी
टी स्क्वायर यू साइन थीटा पी डी आई का चीज की शुद्ध इनटू पी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये वर्टिकल अच्छा आप एक बात और बताइए सिंपल सी बात है कि अगर इसका आपसे पोजीशन लेकर पूछा जाए पोजीशन लेकर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे इसको ऐसे अलग से बना दीजिए जैसे ये कुछ इतना स्टैंड से बात करना ये एक्स एक्सिस के इतना डिस्टेंस हो और ये वाई ये पोजीशन लेकर आपसे इसका पोजीशन लेकर पूछ गए टेक्निकल कॉम्पोनेंट सो यहाँ पर ये पोजिशन वेक्टर है इसका आर सो इसको आप कैसे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एक्स आई केयर प्लस वाई जे पोजिशन वेक्टर आई आर इंस्टेंट सो एक्स की वैल्यू रखी है यू कोस थीटा इनटू जी आई केयर प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी पी स्क्वायर जी तो देखिए कितना आसानी से आप इसका पोजीशन वेक्टर कंफर्म कर सकते हैं तो पहले आपने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला यू कोस थीटा इनटू टी आ गया फिर वर्टिकल डिस्टेंस निकाला और फिर इसका पोजीशन वेक्टर का अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन वी गॉट द रिजल्ट चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जैसे आपने प्रोजेक्टाइल किया यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया थीटा सो ये जो बात होता है ये पैराबोला होता है पैराबोला पाथ है ये प्रोजेक्टरी का पाथ सो वी हैव टू प्रूव दिस सो इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है जैसे आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला था यहाँ पर एक्स इक्वल टू वी इसमें से टाइम निकाला था यार ये नीचे आ गया टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू कोस थीटा ओके सेकेंड इक्वेशन में इस चीज की वैल्यू यहाँ पे रख दो जहाँ पर एक बी बनाओ सो यू साइन थीटा मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस हाफ बी टी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो गया यू से यू कैंसिल हुआ साइन अपॉन कोस टैन हो गया एक्स माइनस जी टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज हियर एक्स स्क्वायर इज हियर सो इसको टैन थीटा को पी मान लीजिए इससे कॉन्स्टेंट एंड इसको क्यू मान लीजिएगा सो वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर सो वी कैन से दैट वाई इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स सो हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला मतलब ये कंडीशन पैराबोला फॉर्म में है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसको आप यहाँ तक सोल्व कर लीजिएगा अब बच्चों ये जो इक्वेशन बन के आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल में इतना बड़ा कंडीशन बैठ किया रखना होता है अगर आपसे कहा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सपोज 30 डिग्री पर ऐसे प्रोजेक्ट किया यू इज सपोज 10 मीटर पर सेकेंड सो व्हाट विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया एट एन इंस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस को आप इक्वेशन कर एक्स निकाल लीजिएगा पहले उससे टाइम निकल जाएगा तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आपकी न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा सो ये है प्रोजेक्टिव इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसको अच्छे से नोट करें यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा तब आप इसको नोट कर सकते हैं अब बच्चों मैंने बोर्ड पे कुछ टर्म्स लिखा है उनको डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्शन पॉइंट से और इसने कितना मैक्सिमम हाइट में गेन किया सब मैक्सिमम हाइट इसको एक्सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर टाइम मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा सो ये आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा ऊपर नहीं जाएगा उसके बाद ये इसके बाद ऐसे मुड़ जाएगा आगे करके सो यहाँ जब कितना टाइम लगा तो इसके लिए मोशन फर्स्ट इक्वेशन लगा वी इज इक्वल टू यू ऊपर को जा रहे हैं तो ऑडियंस ग्राफिक है जी इसको एम मान लीजिएगा टी एम कौन सी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया माइनस वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी एम सो ये आ गया जे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी
So it is a time at which projectile is at the highest point of this projection. U sin theta by g. तो यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगेगा u sin theta by g. एंड देन यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये कंडीशन आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना ही टाइम वापस लगेगा. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में आप इसको डबल कर दें 2 × pm. सो वी विल राइट 2u sin theta by g. देखिए u sin theta क्या होता है आपका, ये uy होता है. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं uy by g, डायरेक्ट पता होगा तो हो जाएगा. और इसको क्या लिख सकते हैं तो 2uy/g ऐसे लिख सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंडीशन सिर्फ स्पेशल इसी केस में है कि जहाँ पर दोनों ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए तब ये फॉर्मूला लगता है 2u sin theta राइट. तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम हाइट ये नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल.